कैमरा में ऊपर ही जाएगा, सुनेगा कौन? सुनेगा। तो मेरा नाम यश है, मैं आपका टूरिस्ट गाइड हूँ। जहाँ पे हम खड़े हैं से बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। ये मुगलों का पार्किंग लॉट था 17th century में। यहाँ पे एलिफेंट्स और कैमल पार्क होते थे मुगल्स के, ठीक है। ये सामने आपकी ईस्ट गेट है, 21st century में। इसे बोलते हैं सिंपल पब्लिक गेट। जो किला है ना, अगर जो आगरा फोर्ट है, 2 किलोमीटर पार है, दूर है। किला देखते वाले गेट एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट गेट है साउथ गेट, लेबर कॉलोनी गेट। 17th century में किंग ने अपने लेबर के लिए कॉलोनी बनाई। तो वो जो डिसेंडेंट्स हैं आज भी रहते हैं, जो लेबर्स का डिसेंडेंट्स हैं पीछे आज भी रहते हैं, ठीक है। वो इसकी रिपेयरिंग करते हैं आज। ये शाही दरवाजा रॉयल गेट प्रिंसिपल गेट आज बोला जाता है। तो इसका मतलब जब काइंड ऑफ द पेंटिंग का डिफाइन, जब किंग यहाँ से एंटर करते थे, किंग और किंग के मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स, तो उस वाले गेट से एंटर करते थे बड़े वाले, ठीक है। इसे बोलते हैं शाही दरवाजा। और जो छोटा गेट है, स्मॉल गेट, उसे बोलते हैं लेबर्स गेट। वो मिनिस्टर और नोबल्स के लिए था कि जब भी जाएँ तो उनकी बेगम को सजदा करें। सच्चा समझते ना, आज तो भाषा उर्दू है, बट मुगल से वो अरेबिक का इस्तेमाल करते थे। इसे बोलते हैं पर्शियन टेलीग्राफ। कुछ लिखा है ना उर्दू में, जैसे ठीक आप लोगों ने, तो जिस प्रकार गीता के अंदर होते हैं ना श्लोक होते हैं, गीता में श्लोक होते हैं, वैसे ही कुरान के अंदर जो आयातें हैं वो इसमें हिंदी में होते हैं। जब भी किंग गुजरेगा तो फूलों की वर्षा हो रही है, भाग की इतनी विंडो होगी। बस इतना बाइक टन लगी, 22 साल के लिए मैंने तो सिग्निफिकेंट करा है। तो ऊपर जो गुम्बद बने ना, तो 11 आपके आगे 11 पीछे, 11 11 22, 22 साल। तो इस समय को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समय बहुत नीचे ना कैलेंडर था, 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था। तो 53 में 22, मतलब 13 कम्प्लीट हो गया, तो 22 साल तो दर्शाया है। 20 हज़ार मजदूरों ने उसको बनाया अपने हाथ से पूरा। और बोलते हैं कि 20 हज़ार मजदूर हैं, 1000 एलिफेंट्स, 1000 ऑक्सेस, बड़ी बैल हैं, तो वो ही पैसे कम करते हैं। सेकेंड थिंग, यश ये सामने बॉक्सेस के हैं, ये बॉक्सेस सब सराय हैं, ये सब रूम्स हैं। सराय को रिप्रेजेंट करने से बताया जाता है, सराय का मतलब होता है धर्म, बाहर जंगल है। आपने बीच में